महानगर में अपने दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह का मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में कुल 2200 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने मंच से 60 मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय विद्या परिषद गोरखपुर द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 वर्षों से छात्रों का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कहा जा सकता है। विगत 70 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नई दिशा में देश के अंदर हर क्षेत्र में इस प्रकार का अभियान चलाया है। मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत नज़दीक से जुड़ने, इनके कार्यक्रमों में सहभागी बनने, इस देश के अंदर अनेक आंदोलनों में काम करने और लोगों को एक दूसरे से जुड़ने, शिक्षा में किए गए कार्यों को हमने बहुत करीब से देखा है। आज जब देश के किसी भी विश्वविद्यालय में और शैक्षिक संस्था में भारत विरोधी नारे लगते हैं और किसी एक व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाया जाता है। मैंने विधायक निधि से फर्नीचर की व्यवस्था करने को कहा था, उसी का मैंने औचक निरीक्षण किया। अभी सारे स्कूलों में फर्नीचर नहीं लग पाया, लेकिन जहां लगे हैं उसकी गुणवत्ता की जाँच मैंने की है। 2018 की परीक्षा पूर्व हमने कहा था कि 2018 की जो परीक्षा होगी उनसे नकल नहीं होगी। 15 लाख ऐसे परीक्षार्थियों ने परीक्षा नकल ना होने की खबर से छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरे देश में एक बेहतर बोर्ड बनकर सामने आएगा। एक बड़ी संख्या बच्चों की एक ऐसी होती है जो स्कूल नहीं जाते हैं, और हमने स्कूल चलो अभियान भी चलाया और ये आगे भी चलता रहेगा। 1,77,00,000 बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं और इन बच्चों के लिए उत्तम पठन पाठन की व्यवस्था की गई है। उच्च शिक्षा में एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है, एक तरह का पाठ्यक्रम सारे कॉलेजों में पढ़ाया जाए, इनकी व्यवस्था की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। आज दिन लोगों के पास शौचालय नहीं था, आज उनके पास शौचालय है। 1,46,00,000 शौचालय का निर्माण कर हमने एक एक शौचालय लोगों को दिया है। पहले इंसेफ्लाइटिस से 100 मौतें होती थीं, लेकिन आज 3 मौतें हो रही हैं। 2016 में अगस्त माह में इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले बच्चों की संख्या 100 थी, इस साल मात्र 6 मौतें हैं। स्वच्छ भारत के मिशन में दुनिया ने देखा है कि हम लोगों ने असंभव को संभव कर दिखाया, क्योंकि इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से जुड़े हैं। स्वच्छ अभियान में आम नागरिक जुड़ा हुआ है। अगर इस अभियान में युवा जुड़ जाए और इसके प्रति एक मुहिम चले और एक अभियान चले, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कार्य हम अपने देश के लिए कर सकते हैं। जिन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है उनको मैं अपनी शुभकामनाएँ देते और कहना चाहूँगा, जो छात्र इस उम्र में पसीना बहाने से भाग रहे हों वो सफल नहीं हो पाएंगे। खूब मेहनत और परिश्रम करिए। भारत की परंपरा को, भारत मिशन के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और भारत सरकार की कौन कौन सी योजना है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे फैजाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम अचल सिंह ने कहा कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है। समाज और राष्ट्र के निर्माण में युवा वर्ग अपनी ऊर्जा और क्षमता का प्रयोग करें। हार से कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि बार बार प्रयास करना चाहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बच्चों की प्रतिभा स्वाभिमान को जगाने की आवश्यकता है। स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देता और अभिमान बढ़ने नहीं देता। इस अवसर पर राज शरण शाही, उमा श्रीवास्तव, वैभव चतुर्वेदी, चंद्र प्रकाश, प्रोफेसर नरेंद्र कुमार राय आदि उपस्थित रहे। संचालन हर्षवर्धन ने किया। आपका स्मृति जी ने लेकर अभिनंदन के लिए भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखनाथ के प्रदेश अध्यक्ष है आप। पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर रामचंद्र सिंह जी, सह छात्रा प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर कुमार श्रीवास्तव जी, आज भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम देश के कुछ राष्ट्रवादी युवाओं ने प्रारंभ किया। 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विधिवत पंजीकरण हुआ। आप देखेंगे कि 70 वर्षों के इस कालखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के, शिक्षा की चुनौतियों को लेकर के, देश और समाज के प्रश्नों को लेकर के जबरदस्त आवाज उठाई है।
दुनिया के अगर इतिहास छात्र संघ होंगे, इतिहास को देखें, छात्र संगठनों के इतिहास को देखें, तो काल के प्रवाह के साथ वो काल कालित हो गए। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से आज 70वीं वर्षगांठ पर पहले की अपेक्षा ज्यादा प्रासंगिकता के साथ आप सबके सामने खड़ी है। जब हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं कि 70 वर्षों के इस कालखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी पहले की अपेक्षा ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि समय का प्रवाह इतना तेजी से बदला है कि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी उस समय परंपरागत कक्षाओं के द्वारा शिक्षा का संचालन होता था, लेकिन आज परंपरागत कक्षाओं के स्थान पर वर्चुअल क्लासरूम ने स्थान ग्रहण कर लिया है। आज विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है कि जब ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात हम कर रहे थे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जब रेलगाड़ी के चलन को भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण उद्यम बताया गया था, आज ड्राइवरलेस कार की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इन परिवर्तनों के बीच विद्यार्थी परिषद को क्या खासियत थी जिसके नाते उसने अपनी प्रासंगिकता को लगातार बढ़ाया है? मित्रों, दुनिया के अन्य संगठन जो हम सबके बीच काम करते हैं, उनका अभ्युदय किसी परिस्थिति या घटना के परिणाम स्वरूप हुआ है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी परिस्थिति या घटना की उपज नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना के पीछे एक मजबूत वैचारिक अधिष्ठान है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के पीछे एक विचार है, उस विचार को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता काम करता है। इसलिए हमारे अंदर एक सुविचारित दृष्टि है जिसके नाते हमने अपनी प्रासंगिकता लगातार बनाए रखी है। जब देश गुलाम था तो अंग्रेज ये कहकर के देश के युवा शक्ति को देश के मुख्य धारा से काटने का प्रयास करते थे कि स्टूडेंट्स पावर इज ए न्यू सेल्स पावर। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश की युवा शक्ति को संगठित करते हुए ताकि स्टूडेंट्स पावर इज नॉट ए न्यू सेल्स पावर बल्कि स्टूडेंट्स पावर इज ए नेशंस पावर, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है। विद्यार्थी परिषद अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति में रूपांतरित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रही है। जब देश में आजाद भारत की सरकार बनी और उस सरकार ने भी ये प्रयत्न किया कि छात्र कैसे रिश्ते बने, देश और समाज के प्रश्नों पर वो विचार न करें, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह नारा लगाया कि छात्र कल का नहीं वो आज का नागरिक है, और आज का नागरिक होने के नाते वो कैरियरिस्ट तो बनेगा, उसके साथ ही साथ वो नेशनलिस्ट भी बनेगा और देश और समाज के प्रश्नों का उत्तर देगा। अखिल भारतीय पूरी हो चाहे तो मजबूरी हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश और समाज के विषयों को लेकर के केवल प्रश्न नहीं खड़ा किया है बल्कि उसका समाधान। अलगाववाद की घटनाएं बढ़ रही थी और उत्तर को भारत से तोड़ने का प्रयास हो रहा था, तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरखपुर प्राची ज्ञान पाठक पीएम नेशनल पब्लिक स्कूल गोरखपुर आयुष कुमार वर्मा रैंपस गोरखपुर स्वाति श्रीवास्तव कार्मल स्कूल गोरखपुर शुभम कुमार सिंह केंद्रीय विद्यालय गोरखपुर अंचल शुक्ला डिवाइन पब्लिक स्कूल गोरखपुर सेनाता चौधरी रामहंस इंटरमीडिएट कॉलेज लखनऊ किरण गुप्ता सेंट्रल पॉलिटेक्निक गोरखपुर अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय वंदना गुप्ता महाराणा प्रताप विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय अपर स्नातक के
परिषद द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर रामचंद्र सिंह जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुमार श्रीवास्तव जी, गोरखस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर रामचरण शाही जी, कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष प्रोफेसर नरेंद्र कुमार राणा जी, वैभव चक्रवर्ती जी, कार्यक्रम के स्वागत मंत्री और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्यमी श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, कार्यगण राजकीय प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे सभी प्रतिभावान छात्र छात्राएं, अन्य उपस्थित अतिथिगण, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र छात्राओं के बीच में एक ऐसा संगठन है जो विद्यार्थियों को उनके मूल्यों, उनके आदर्शों और इस देश के अंदर आजादी के पूर्व से कुत्सित भड़काव की जो चेष्टा इस देश की युवा पीढ़ी को करने का प्रयास हुआ है, उस भटकाव से अलग एक संस्कारयुक्त राष्ट्रवादी वातावरण प्रदान करने के दिशा में विगत 70 वर्षों से संलग्न अखिल भारतीय स्तर पर छात्रों का सबसे बड़ा संगठन कहा जा सकता है। वास्तव में यह प्रश्न बार बार उठता है कि हमारे युवाओं की दिशा क्या होनी चाहिए। हम लोग जब अपनी युवा शक्ति के बारे में देखते हैं तो मैं अक्सर इस बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इनमें अपार ऊर्जा है, इनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने और राष्ट्र निर्माण में इन युवाओं की भूमिका को हम परिभाषित कर सके आज इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। विगत 70 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस दिशा में इस देश के अंदर हर क्षेत्र में इस प्रकार का अभियान चलाया है। मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ बहुत नजदीक से जुड़ने, इन कार्यक्रमों में सहभागी बनने, इस देश के अंदर अनेक रचनात्मक आंदोलनों का नेतृत्व करने, इस देश के पूर्वोत्तर के छात्रों को शेष भारत के साथ जोड़ने और सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए किए गए प्रयासों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है और इससे आज का यह प्रतिभा सम्मान समारोह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और आज की युवा पीढ़ी को एक नई दिशा देने वाला समारोह है। यह प्रतिभा सम्मान समारोह इस बात का द्योतक है कि हमारी युवा पीढ़ी में जो अपार संभावनाएं हैं, जो अपार क्षमता है, उसको दिशा देने के लिए कोई एक छात्र संगठन तो है जो उसे एक सही मार्ग पर ले जाने का कार्य कर रहा है।
आप सब जानते हैं कि भारत की परंपरा भी इस बात को मानती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। और उस योजक के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज इस युवा शक्ति को एक नई दिशा देने के लिए संलग्न है। मैं इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, एक सफल अभियान के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। फैजाबाद के दिन पर देश के अंदर विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की अराजकता को देखता हूं और उस अराजकता के मूल में कभी हम जाने का प्रयास करते हैं तो हमें लगता है कि इस अराजकता के मूल में केवल अपनी राष्ट्रीयता से, अपने राष्ट्रीय मूल्यों से भड़का हुआ वह एक वर्ग है जिसने आजादी के पूर्व भारत को एक राष्ट्र नहीं माना था, जिसने देश की स्वाधीनता का विरोध किया था, जिसने आजादी के बाद भारत के राष्ट्रीय मूल्यों और राष्ट्रीय आदर्शों का सम्मान करने की बजाय उसके खिलाफ एक विशिष्ट कुत्सित दुष्प्रचार के माध्यम से इस देश की युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। और जहां भी इन लोगों को अवसर मिला वहां पर उन्होंने उन संस्थाओं को पूरी तरह उनकी नींव को खोखला करने का ही कार्य किया है। आज जब देश के किसी विश्वविद्यालय में भारत विभाजन के नारे लगते हैं, आज जब इस देश के किसी महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्था में भारत के खिलाफ अलगाववाद के नारे सुनाई देते हैं, आज जब किसी एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में भारत के खिलाफ षड्यंत्रों में संलिप्त तत्वों को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करने के कुत्सित प्रयास होते हैं तो सचमुच यह चिंता एक व्यक्ति की नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की होनी चाहिए, इस देश के 125 करोड़ नागरिकों की होनी चाहिए कि जिन शिक्षण संस्थाओं को एक दिशा देनी चाहिए थी, जिन्हें योग्य मार्गदर्शक के रूप में आगे आना चाहिए था, एक योग्य योजक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए था, वे अपनी इस भूमिका का निर्वहन करने की बजाय आज जब भड़काव की इस दिशा को नेतृत्व दे रहे हैं, अलगाववाद और अराजकता की दिशा को नेतृत्व दे रहे हैं, उन स्थितियों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों की प्रासंगिकता एक बार और पुरजोर तरीके से उभर करके सामने आनी चाहिए। और जिससे मैं आज विद्यार्थी परिषद के इस प्रतिभा सम्मान समारोह के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए इन सभी छात्र छात्राओं को पदाधिकारियों का आह्वान करूंगा कि इन्हें अपनी रचनात्मक गतिविधियों के आयाम को बढ़ाना पड़ेगा, उसको एक नए सिरे से प्रभाषित करने के लिए समाज के बीच में आना पड़ेगा, पुरातन और आधुनिकता के बीच में बेहतर समन्वय बना करके आज की युवा पीढ़ी के लिए एक योग्य योजक के रूप में अपनी भूमिका में उन्हें आना पड़ेगा। आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आपके इस कार्यक्रम में आने के पहले मैं गोरखपुर महानगर के दो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए निकला था। बेसिक शिक्षा विद्यालय के निरीक्षण के लिए मैं इसलिए निकला था कि जब मुझे विधायक निधि का पैसा मिला तो मैंने निधि के पैसे को, मैंने कहा इसको सबसे पहले शिक्षा पे खर्च करना चाहिए, तो उस पैसे को मैंने गोरखपुर महानगर के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के जितने विद्यालय थे उन सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए फर्नीचर लग सके इसके लिए मैंने पूरी धनराशि दी। यद्यपि सभी विद्यालयों में लग नहीं पाया लेकिन जिन विद्यालयों में लगा है वहां फर्नीचर की गुणवत्ता को देखने के साथ साथ
वे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं यह भी जानने का मैंने प्रयास किया, और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे थे, कुछ बच्चे कमजोर थे और कुछ बच्चों में और ज्यादा मेहनत किए जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये समाज की भी स्थिति है। एक तरफ हमारे पास शिक्षित बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी है, दूसरी तरफ समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जो अभी भी शिक्षा से बहुत दूर है। हमने अपने छात्र छात्राओं के अंदर ये भाव कभी क्या पैदा करने का प्रयास किया? आज के दिन पर अगर आप देखें निजी क्षेत्र की शिक्षा को छोड़ दें, सरकार के द्वारा वित्त पोषित या सरकार के द्वारा संचालित संस्थाओं में एक प्रकार से शिक्षण शुल्क निःशुल्क जैसा ही लिया जाता है, यानी मुफ्त में शिक्षा की गारंटी सरकार लेती है, लेकिन बदले में अगर सरकार उनसे अपेक्षा रखती है कि ये छात्र या ये छात्रा अपना विद्या अध्ययन पूरा करने के बाद एक वर्ष दो वर्ष समाज में साक्षरता के इस लक्ष्य को, इस पवित्र अभियान को पूरा करने में दे, तो मुझे लगता है कि नगण्य लोग ऐसे होंगे जो स्वतस्फूर्त भाव के साथ सामने आकर के कह सके कि मैं अपना एक वर्ष दो वर्ष या पांच वर्ष समाज के लिए देना चाहता हूं और साक्षरता के इस पवित्र अभियान के साथ में जुड़ना चाहता हूं। क्योंकि वो भाव पैदा करने का प्रयास हमने कभी नहीं किया। ऐसा नहीं कि लोग चाहते नहीं है, हर छात्र चाहता है समाज में 70% साक्षरता के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, हर युवा चाहता है मेरा समाज साक्षर हो, मेरा समाज सुंदर हो, मेरा समाज सक्षम हो, हर ओर स्वच्छता हो, अच्छा आध्यात्मिक और शैक्षिक वातावरण पूरे प्रवेश में दिखाई दे, इस प्रकार का एक वातावरण प्राप्त हो, इसकी अभिलाषा प्रत्येक की होती है। लेकिन इस देश से हम सब भी अपना योगदान दे सके, उसकी अभी कमी समाज में झलकती है। और केवल शिक्षा में ही नहीं, हम स्वास्थ्य में देखें, स्वास्थ्य में इससे भी खराब स्थिति है। अगर एक परिवार अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है तो मुझे लगता है एक मध्यम क्लास का व्यक्ति निजी क्षेत्र के किसी भी मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे को मेडिकल की शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी फीस है, इतनी ज्यादा फीस है, नहीं पढ़ा सकता। सरकारी विद्यालयों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जब उन बच्चों का प्रवेश होता है तो एक प्रकार से वो निःशुल्क जैसा ही होता है, लेकिन उसके बाद अगर हम अपेक्षा करें कि वे छात्र सरकार के द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शिक्षा के बाद अपने यूजी या पीजी के बाद दो वर्ष चार वर्ष का समय समाज में ग्रामीण क्षेत्रों में रिमोट एरियाज में जाकर के स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में अपना योगदान दें, तो संख्या भी हमें उसी प्रकार से दिखाई देती है जैसे अन्य क्षेत्रों में है। कहीं ना कहीं चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप एक बार इन सब का सिंहावलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें व्यापक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और उस व्यापक कार्य किए जाने की दृष्टि आज हमारे युवाओं को उस भूमिका में एक बार पुनः अपने आप को परिभाषित करना होगा। और मुझे लगता है आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब यहां पर इस प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ आपके बीच में है, ये केवल आपकी प्रतिभा को सम्मानित करना ही नहीं बल्कि जो प्रतिभा आपकी है उसको निखारने का एक मंच प्रदान करने और इस प्रतिभा का उपयोग हम समाज के निर्माण और राष्ट्र के निर्माण में भी कर सके, यह अपेक्षा आपसे रखती है। मुझे याद है जब विगत वर्ष हमारी सरकार ने शपथ ग्रहण किया था, शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद उस समय माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी थी, जहां तहां से नकल की शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी। उस वर्ष जितना रोकने का प्रयास हो तक सकता था हम लोगों ने 2017 में रोकने का प्रयास किया, लेकिन 2018
की परीक्षा की तैयारी के पूर्व हम लोगों ने प्रत्येक संस्था को इसके बारे में, प्रत्येक जनपद को इसके बारे में अवगत करा दिया था कि वे जाकर के इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वर्ष 2018 की जो परीक्षाएं संपन्न होंगी उसमें कहीं नकल नहीं होने देंगे। इसलिए विद्यालयों को पठन पाठन का एक माहौल बनाने के लिए तैयार करें, बच्चों की अटेंडेंस हो, इसके बारे में हम लोगों ने एक नया माहौल बनाने का प्रयास किया। और उसके बाद जब 2018 की परीक्षाएं हुई तो हम आश्चर्य करेंगे कि 2018 की परीक्षा में 15 लाख ऐसे विद्यार्थी थे या विद्यार्थी सभी के लोग थे जिन्हों को जब नकल विहीन परीक्षा की बात आई तो परीक्षा से भाग खड़े थे, यानी मैदान में ठहरने की बजाय उन्होंने मैदान छोड़ना उचित तो समझा। हमने इस बारे में साफ कहा था कि देखो नकल विहीन परीक्षा कराएंगे लेकिन छात्रों पर, युवाओं पर जुर्म नहीं ढालेंगे। जो नकल करवाएगा या जो संस्था नकल करवाएगी वहां का प्रिंसिपल या वहां का प्रबंधक या उस कक्ष का निरीक्षक जेल जाएगा या जिला विद्यालय निरीक्षक जेल जाएगा, कोई छात्र या छात्रा जेल नहीं जाएगी। आपने देखा होगा 15 लाख विद्यार्थी परीक्षा छोड़े लेकिन एक भी छात्र छात्रा के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। पूरे देश और दुनिया इस ओर देख रही थी कि परिणाम क्या आएगा, इतनी सख्त परीक्षा हुई परिणाम क्या आएगा। और जब परिणाम आया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का तो आपने देखा होगा कि किसी भी यानी प्रदेश के अन्य बोर्ड से अच्छे परिणाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के थे। और मैं इससे उन सभी युवाओं को जिन्होंने सही मायने में मेहनत करके एक बेहतर परिणाम लाने की दिशा में अपना योगदान दिया था, आज उसका परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक बार पुनः देश के अंदर आने वाले समय में एक बेहतर बोर्ड बनकर के उभरेगा। और उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं मुझे लगता है कि ये प्रयास नकल विहीन परीक्षा उसी का एक हिस्सा था। ये केवल नकल विहीन परीक्षा करना ही उद्देश्य नहीं बल्कि हम लोगों ने इस बारे में भी तय किया कि हमारे जितने भी माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, पहले चरण में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे उसमें 4 प्रकार के शिक्षक तो अनिवार्य होने चाहिए। उसमें मैथ्स का शिक्षक हो, उसमें फिजिक्स का शिक्षक हो, उसमें केमिस्ट्री का शिक्षक हो, उसमें इंग्लिश का शिक्षक हो, ये अनिवार्य रूप से हो। और साथ ही साथ आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए कंप्यूटर शिक्षक भी उन सभी संस्थाओं में तैनात हो जाए और वहां पर नियमित क्लासें चले। इस दृष्टि एक नया प्रयास उन संस्थाओं में हुआ। अखिल भारतीय परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा में उत्तर प्रदेश का नौजवान भी आगे आ सके, इस दृष्टि भी एक प्रयास हुआ कि हम भी एनसीईआरटी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस को भी उस दिशा में ले जाएं। और वह एक बेहतर प्रयास हम लोगों ने इस वर्ष प्रारंभ किया है, उसके बेहतर परिणाम आएंगे अगले वर्ष जब परीक्षाएं होंगी, परीक्षाओं के परिणाम आएंगे तो इसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आने वाले हैं, ये मैं अपेक्षा रखूंगा। लेकिन आज भी समाज में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। मैं देखता हूं हम लोग कहीं जाते हैं, गांव में जाने का अवसर प्राप्त होता है, किसी कमजोर और मलिन बस्ती में जाने का अवसर प्राप्त होता है। अक्सर हम लोग इस बात को देखते हैं, एक बड़ी संख्या ऐसी होती है बच्चों की जो स्कूल नहीं जा पाते। हम लोगों ने विगत वर्ष भी स्कूल चलो अभियान चलाया था 1 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक। इस वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक और 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान 2 बार चलाया और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। मैं भी जब 2 प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए गया था तो मैंने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र 10 वर्ष है, 12 वर्ष है, लेकिन वे 1 क्लास में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब स्कूल चलो अभियान ने उन्हें प्रेरित करके स्कूल जाने के लिए मजबूर किया और आज वे स्कूल में आकर के अक्सर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।
अक्सर ज्ञान के माध्यम से वह फिर एक संस्कारवान और सुसंस्कृत नागरिक बनेंगे और फिर अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का उपयोग इस राष्ट्र के निर्माण में करेंगे। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो अभियान चला स्कूल चला अभियान का, अब आश्चर्य करेंगे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हमारे पास 1,77,00,000 से अधिक बच्चे हैं जिन्हें हम उन स्कूलों में प्रवेश करवाने के साथ साथ उनके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं। 1,77,00,000 से अधिक बच्चों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अच्छी यूनिफॉर्म मिल सके, उन्हें बैग मिल सके, बुक्स मिल सके, उन्हें जूते और मोजे मिल सके, उनके जाड़ों में स्वेटर प्राप्त हो सके, इस दिशा में भी प्रयास हुए और यह एक बेहतर दिशा में किया गया एक प्रयास है। आने वाले समय में हम लोगों ने प्रयास किया है विश्वविद्यालयों को भी इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कि क्या उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं इन सभी विश्वविद्यालयों में क्या हम कॉमन सिलेबस दे सकते हैं। इस दिशा में एक जैसा सिलेबस चाहे वह मेरठ विश्वविद्यालय हो या गोरखपुर विश्वविद्यालय, चाहे वह जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद, इन सभी में लखनऊ विश्वविद्यालय हो या कानपुर अथवा आगरा विश्वविद्यालय, ये सभी विश्वविद्यालय क्या एक कॉमन सिलेबस के साथ उत्तर प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं को एक योग्य नागरिक बनाने के साथ साथ संस्कार युक्त सुसंस्कृत नागरिक बनाने के साथ साथ हम उन्हें कॉमन सिलेबस के साथ आगे बढ़ने और जहां कहीं अच्छा हो रहा है वहां पर इन छात्रों के या फिर उन विश्वविद्यालयों के नए इनोवेशन को हम समाज के सामने ला सकें, इस दृष्टि से एक नए प्रयास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रारंभ हो रहे हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है, मुझे लगता है चाहे वह शिक्षक हो या छात्र, इन सब की अपनी भूमिका हो सकती है राष्ट्र के निर्माण के लिए। हम लोग अक्सर इस बारे में कहते हैं, मैंने विगत वर्ष जब उत्तर प्रदेश के सभी कुलपतियों की बैठक लखनऊ में संपन्न हुई थी, सभी लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो मैंने उनको उस समय भी कहा था कि भाई अपने विश्वविद्यालयों को या अपने संबद्ध महाविद्यालयों को एक औपचारिक केंद्र के रूप में मत पनपने दीजिए, वो एक सरकार के पवित्र केंद्र के रूप में बने। इस दिशा में एक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और खासतौर पर समाज हमें विद्या अध्ययन के लिए माहौल दे रहा है, समाज उस प्रकार का अवसर दे रहा है, इस समाज के प्रति हमारे मन में क्या भाव है, क्या हम उसके साथ कभी जुड़ पाएंगे, क्या हमने जुड़ने का प्रयास किया। आजादी के बाद इस देश ने कभी सोचा था कि देश का कोई प्रधानमंत्री देश के अंदर देश के नागरिकों की एक सबसे मूलभूत आवश्यकता स्वच्छता के बारे में आह्वान करेगा तब देश स्वच्छता के पीछे जाएगा। ये स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इस प्रकार के संस्कार तो हम सबके अंदर आने चाहिए थे, लेकिन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ नहीं आ पाए, तो कम से कम तब तो आने चाहिए जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान पूरे देश के अंदर किया और स्वच्छ भारत मिशन आज इस देश के अंदर एक नारा बन चुका है, जन सहभागिता के माध्यम से एक आंदोलन बन चुका है और उस आंदोलन के माध्यम से कोटि कोटि नागरिक इस अभियान के साथ जुड़ करके स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के साथ जिस प्रकार से जुड़े हैं, मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका छात्र छात्राओं की होनी चाहिए। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं कि विद्यालयों में हम लोग जाते हैं, सरकारी विद्यालय है तो उसकी तो दुर्दशा ही होती है, निजी क्षेत्र का विद्यालय है तो निजी प्रबंधन अगर थोड़ा ध्यान दे दे तो विद्यालय साफ सुथरा दिखता है, विद्यालय के भवन साफ सुथरे दिखते हैं, वहां फर्नीचर ठीक होता है, नियमित व्यवस्थाएं ठीक करने के फिर भी प्रयास होते हैं, लेकिन जो शासकीय है या शासक के द्वारा शासन के द्वारा वित्त पोषित है वहां की स्थिति क्या है। अगर पेड़ उगे हैं भवनों पर तो कोई उसको पूछने वाला नहीं, इन पेड़ों को भवनों पर नहीं होना चाहिए, वास्तव में कहीं जमीन पे होना चाहिए, लेकिन जमीन पे पेड़ नहीं
लेकिन भवनों पर बड़े बड़े पेड़ उगे होते हैं, झाड़ियां उगी होती हैं, गत्ते होते हैं, क्लासरूम में पूरा सीलन होता है, जाले लगे रहते हैं, धूल पड़ी रहती है। ऐसा तो नहीं कि शिक्षक के मन में कभी ये एक सामान्य सी यानी एक सिविक सेंस ना आता हो, ये गंदगी ठीक नहीं, ये जाले ठीक नहीं, ये पेड़ ठीक नहीं, ये पेड़ मोटा होगा बड़ा होगा तो इस भवन को उजाड़ सकता है, नष्ट कर सकता है। लेकिन ये भाव कभी मन में क्यों नहीं आता है, क्यों हमारे मन में नहीं आता है? मैं भी आ रहा था गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासों में बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं। अब उसके लिए क्या सरकार का कोई मंत्री आएगा, क्या राज्यपाल महोदय आएंगे उसको साफ करने के लिए? मुझे लगता है इस कार्य को विश्वविद्यालय परिवार को स्वयं देखना चाहिए, वहां पर निवास करने वाले छात्र छात्राओं को स्वयं देखना चाहिए, वहां के शिक्षकों को स्वयं देखना चाहिए, जो वहां पर प्रोक्टोरियल बोर्ड है उसको स्वयं देखना चाहिए, वहां के वार्डन होंगे उनको स्वयं इसका निरीक्षण करना चाहिए। स्वच्छता का अभियान केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के साथ साथ हमारी संस्थाओं में, हमारे आसपास के परिवेश में भी उस प्रकार का वातावरण दिखाई देना चाहिए। यह हमारे संपूर्ण सर्वांगीण विकास का एक मानक बनना चाहिए, उस प्रकार का मानक का आधार वह बनता है और इससे हमें इन अभियानों के साथ स्वयं जुड़ना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई। मुझे आप सबको बताते प्रसन्नता है कि अभी हम लोग बेसलाइन सर्वे 2012 के सर्वे के अनुरूप उन परिवारों को चिन्हित कर रहे हैं जिन परिवारों के पास अपने व्यक्तिगत शौचालय नहीं। और जब हम लोग आए थे सत्ता में, 1,47,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आज के दिन पर हम लोगों ने सरकार के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उद्यमियों के सहयोग से, केंद्र और प्रदेश सरकार की जितने भी हमारी पब्लिक सेक्टर की ऐसी यूनिट हैं जिनके पास सीएसआर का थोड़ा भी राशि है, इसके सहयोग से हम लोग अब तक 1,46,00,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण करके इतने परिवारों को एक एक व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध करवा चुके हैं। हम लोगों का प्रयास है कि 30 नवंबर तक शेष जितने परिवार होंगे उनको भी, और बेसलाइन सर्वे के बाद भी जो बचे हैं उन परिवारों को भी एक एक व्यक्तिगत शौचालय लेकर के खुले में शौच से मुक्त इस समाज को एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण दे। खुले में शौच नारी सम्मान पर सबसे बड़ा आधार है। तमाम प्रकार की बीमारियों की जड़ है, डायरिया है, कॉलरा है, इंसेफ्लाइटिस है, मलेरिया है, तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं इन सब की जड़ है गंदगी, अशुद्ध वातावरण। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में आप लोग निवास करते हैं, मैं देख रहा हूं 40 वर्ष से अधिक समय से इंसेफ्लाइटिस से यहां पर हजारों मौतें हुई हैं। हजारों मौतें होने के बाद मैं पिछले 20 वर्ष से इस मुहिम के साथ जुड़ा हूं कि इंसेफ्लाइटिस का समाधान होना चाहिए। हम लोगों ने पहले एक इसके वायरस को चिन्हित किया जापानी इंसेफ्लाइटिस के रूप में। इसके खिलाफ जब हम लोगों ने अभियान चलाया, उस अभियान का परिणाम रहा कि उसके मौत की दर को हम काफी नीचे लेकर के आए, लेकिन अभी भी वह बना हुआ है, उसकी मौजूदगी है, कम आई है। पहले 100 मौत होती थी, अब 3 मौत हो रही है, लेकिन फिर भी मौत तो मौत है, चाहे वो 100 हो चाहे 3 हो। इन मौत के आंकड़ों को पूरी तरह रोकना और समाज को इसके प्रति जागरूक करना, इसके लिए अलग अलग चरण चले। लेकिन दूसरा जो वायरस इसका चिन्हित हुआ एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का, इसको रोकथाम करने के लिए स्वच्छता और साथ साथ शुद्ध पेयजल की आपूर्ति या उतनी ही आवश्यक थी, और इस दिशा में किया गया प्रयास कितना महत्वपूर्ण रहा। मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बस्ती कमिश्नरी के जो आंकड़े मेरे पास हैं, अगस्त महीने के आंकड़े आपके पास होंगे, आप जाके बिहारी मेडिकल कॉलेज से आंकड़े लीजिए और फिर इस पर चिंतन करिए। 2016 में
इसी पीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस से अगस्त महीने के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या थी 100 से ज्यादा, भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या थी 500 से ज्यादा। और 2018 में अगस्त महीने में अगर आप देखेंगे तो 500 की तुलना में मरीज आए 80 और मौत 100 की तुलना में मौत होती है मात्र 6। यानी ये चमत्कारिक परिणाम ये स्वच्छता के प्रति। क्या इसमें युवाओं की शिक्षण संस्थाओं की भूमिका नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी, लेकिन हम स्वयं आत्ममंथन करें, हमने कितनी अपनी भूमिका का ईमानदारी से इस क्षेत्र में निर्वहन किया है। मुझे लगता है वह आत्ममंथन का समय आप सबके पास होगा, आप जरूर करिएगा। अगर नहीं करे हैं एक बार करिए और स्वच्छ भारत मिशन के एक स्वेच्छाग्रही के रूप में इसके साथ जुड़ करके हम सब इस नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनकर के अपने आने वाले बचपन को, आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और सुगम वातावरण दे सके, हमें इसके साथ जुड़ना होगा। दूसरा, हमारी शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। मुझे लगता है हर तबके का छात्र या छात्रा, जो बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उन सबको चाहिए कि अपने मोहल्ले के सभी बच्चों को स्कूल लेकर के जाएं। जो माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको चाहिए कि वे अपने मोहल्ले में शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए भी एक प्रयास करें। अगर वहां पर उनके स्कूल में शिक्षकों की कमी है, शिक्षक नहीं है, तो उनका प्रयास होना चाहिए कि वहां पर हम एक शैक्षिक वातावरण बनाने में योगदान दें। उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका दायित्व बनता है, कुछ लोग साक्षरता के अभियान को आगे बढ़ाने में, कुछ लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के अभियान को जागरूकता के कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं, और बहुत सारे लोग तमाम प्रकार के अन्य कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों में सहभागी बन करके तमाम प्रकार के नेशनल प्रोग्राम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को भी उसके साथ जोड़ सकते हैं, उससे लाभान्वित कर सकते हैं। खासतौर पर हम लोग जब देखते हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक नया अभियान प्रारंभ किया था प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद, और वह कार्यक्रम था स्वयं हेल्थ कार्ड का। आपने मनुष्य के हेल्थ कार्ड को तो सुना होगा, लेकिन जितने आप एक मनुष्य के लिए अपना हेल्थ कार्ड बनाना आवश्यक है, उतना ही इस धरती माता को भी अपने हेल्थ की चिंता होती है। होता क्या है, अक्सर आप किसान को देखते होंगे, किसान को कोई जानकारी नहीं कि उसके खेत को कौन से तत्व की आवश्यकता है। बगल वाले ने अगर लाल रंग की दवाई छिड़की है तो दूसरा किसान भी वो लाल रंग की दवा बाजार से खरीदता, उसका नाम क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, उसको नहीं मालूम, वह भी छिड़क देता है। यानी उसके खेत को जिंक की आवश्यकता है, फास्फोरस की आवश्यकता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता है, उसको नहीं जानकारी होती है। वह तो बगल वाले ने छिड़क दिया इसलिए हम भी छिड़केंगे, मुझे लगता उसको नहीं मालूम इससे हमारी खेत की उर्वरता पर कितना घातक प्रभाव पड़ रहा है और हमारा पैसा भी कितना खर्च हो रहा है। हम उस पैसे को बचा सकते हैं बशर्ते हमने अपने खेत की हेल्थ कार्ड को अगर हम बना लें। जिस पोषक तत्व की कमी है उसी पोषक तत्व को हम डालें। इस दिशा में स्वयं हेल्थ कार्ड एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। हम लोगों ने एक बात कही थी प्रशासन से और कृषि विभाग के अधिकारियों से, खासतौर पर मैंने कहा भी हमारे इंटर कॉलेजेस हैं, वहां साइंस की लैब है, डिग्री कॉलेजेस होंगे या विश्वविद्यालय होंगे उनमें साइंस की लैब है, शाम को 5-6 बजे के बाद वो लैब खाली हो जाती है। अप्रैल मई के बाद वो लैब खाली रहती है और 3 महीने खाली रहती है। क्या हम ये उपयोग कर सकते हैं कि स्वायल हेल्थ कार्ड के लिए उन महाविद्यालयों से, उन इंटर कॉलेजेस से, उस विश्वविद्यालय के साथ हम उनके साथ समझौता करें और समझौता करके स्वायल हेल्थ कार्ड उनकी लैब का इस्तेमाल करें और उनकी लैब का इस्तेमाल करके एक स्वायल हेल्थ कार्ड में बनाने में जितना खर्चा आता उतना पैसा उस संस्था को उपलब्ध कराएं। एक हमारे हर जनपद में
सेफ बनाओ, हेल्थ लैब बन, हेल्थ साथ हेल्थ करती लैब बन सकती हैं, और साथ साथ किसान को आसानी से अपनी हेल्थ लैब अब हेल्थ कार्ड साथ हेल्थ का कार्ड बनाने में उसको आसानी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है अभी कृषि विश्वविद्यालयों को या कृषि विज्ञान केंद्रों को छोड़ दिया जाए तो शेष विश्वविद्यालय और महाविद्यालय या इंटर कॉलेज इससे अभी भी निरपेक्ष बने हुए हैं, क्योंकि रुचि नहीं। हमने समाज की पीड़ा के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास नहीं किया। हम लोग ये मान लेते हैं कि सफाई का कार्य तो प्रशासन का है, हमारा कोई कार्य नहीं। हमने मान लिया कि स्वास्थ्य हेल्थ का कार्य तो केवल कृषि विभाग को बनाना है, बाकी से समाज की इसमें कोई भूमिका नहीं है। मुझे लगता है जब भी कोई समाज इस प्रकार से प्रावलंबी होता है वह कभी सक्षम नहीं हो सकता, समर्थ नहीं हो सकता। एक स्वावलंबी समाज ही आत्मनिर्भर बनता है, स्वावलंबी समाज ही समर्थ और सक्षम बन सकता है। हमें भारत को प्रावलंबी नहीं बनाना है, हमें भारत को सक्षम बनाना है, भारत को समर्थ बनाना है, और भारत को समर्थ बनाने की दृष्टि हम सबको एक नए दिशा में प्रयास करना होगा, और उस नए प्रयास के लिए एक नया अवसर आज राज्य की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी आपको एक अवसर दे रही है। इस समाज को सक्षम बनाने का भाव तब आएगा जब राष्ट्रीय मूल्यों के साथ हम जुड़ेंगे, हम अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ जब जुड़ेंगे, जब हम उससे निरपेक्ष होंगे, तो हमारे शिक्षण संस्थाओं को अराजकता का अड्डा बनना ही है। हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय या अन्य संस्थाएं क्यों, इनमें अराजकता पनपती भी कभी कभी दिखाई देती है। राष्ट्रीय मूल्यों से जितने दूर होंगे उतनी अराजकता के नजदीक होंगे, राष्ट्रीय मूल्यों के जितने नजदीक होंगे अराजकता इनसे उतनी ही दूर होती भी दिखाई देगी, और उस राष्ट्रीय मूल्यों के साथ जोड़ने के साथ साथ समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए उन कार्यों को अगर हम अपने अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर ले, बहुत बेहतर कार्य कर सकते हैं, बहुत बेहतर परिणाम हम ला सकते हैं। और उस दिशा में इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन इन छात्रों को, इस युवा ऊर्जा को उस राष्ट्र निर्माण के कार्य के साथ लगाने की दिशा में प्रयास करे, यह मैं उम्मीद करता हूँ। मुझे विश्वास है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक रचनात्मक कार्यक्रम चले हैं, सीमा सुरक्षा जागरण यात्रा रही हो या शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही आग्रह पर, उनके ज्ञापन के आधार पर ही हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक व्यापक अभियान चलाया, और वह था निजी पब्लिक स्कूलों के फीस रेगुलेशन को लेकर के। कितना बड़ा अभियान था, और हम लोगों का प्रयास होगा आज उत्तर प्रदेश ने जो रेगुलेशन बनाया है पूरा देश उनका अनुसरण करता हुआ दिखाई देता है, पूरा देश उसके अनुरूप चलने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हमें शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ साथ प्रयास करना चाहिए। ये छात्र जिसे विद्यार्थी परिषद बार बार कहता है, ये कल का नहीं आज का नागरिक है, आज का नागरिक है तो आज के प्रवेश में इसकी भूमिका समाज के अंदर दिखनी चाहिए, शासन की योजनाओं के साथ दिखनी चाहिए। सब केंद्र, चाहे वह केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो, तमाम नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, इन सभी नेशनल प्रोग्राम के साथ इनकी सहभागिता होते हुए दिखाई देनी चाहिए। इस विश्वास के साथ आज यहाँ पर जिन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है, मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और केवल आप सबका आह्वान करूंगा, और यह आह्वान होगा कि आप कभी कार्य से और पुरुषार्थ से भागे मत, मेहनत से भागे मत। जो छात्र या छात्रा इस उम्र में पसीना बहाने से भाग रहे हो, मुझे लगता है कि वे जीवन में कभी किसी चुनौती का सामना कर पाएंगे स्वयं में एक संदेह होगा। खूब मेहनत करिए, खूब परिश्रम करिए, अपने परंपरागत सिलेबस के साथ साथ भारत के महापुरुषों को पढ़िए,
भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति के बारे में खूब जानकारी रखिए और हर जानकारी आपके पास होनी चाहिए। भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, जनधन योजना क्या है, उज्ज्वला योजना क्या है, सौभाग्य योजना क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्या है, स्वच्छ भारत मिशन क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को ध्यान में रख करके हम जब अपने आप को जोड़ने का कार्य करेंगे तो निश्चित ही आने वाला समय आपका होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा, आप समाज और राष्ट्र को एक नया नेतृत्व देने में, एक नया माहौल देने में तत्पर होंगे, उस प्रकार का वातावरण देने में आप सक्षम होंगे और उस प्रकार के वातावरण के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं एक बार पुनः इस गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी उन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूँ जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से सम्मानजनक स्थान बनाया और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसा दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन आज आपको यहाँ पर सम्मानित करना है। मैं आप सबके प्रति शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।